अभी उषा उधर से प्रसादी लेवे गए आप लोग, बतावल जाला कि अगर बात पे बात ना हो तो बात रोवल, अगर दिन में कीच काच हो तो रात रोवल। भाव कराए में आप लोगों के बीच में बजरी चौलर, उसके बाद हमारा नंबर खत्म हुई। कहना है आवाज सर अकेला है उनकर धर्म पत्नी
खाली उनका धर्म दोनों आदमी दोनों प्राणी मतलब पति पत्नी हवा है सवाल जवाब चलत है कि अगर हमार तुरंत सपना है आज यह सपना के पूरा था ए भैया सीधी सोचे लग रही कि कैसा सपना है आज उल्टा आशा कर ही का कुछ होते हैं कि तू मर्दा तू बना बहुत बार देख मिलेगा उस समय बंद कोठरी में दोनों प्राणी आपस में है बात विचार करीना समय सिद्धि रानी उनकर पत्नी जी मत मर गई भैया आए हर गणेश भगवान के लीला परम्पार जनाना बन गए कहे के मतलब एक नई नवेलन दुल्हन के रूप में खूब बढ़िया साड़ी साया पहन के वही सरपाई पे सुतल हुआ अजब सुतल हो तिधर होता है कहना है बहरे निकली गई हर गणपत जो गणेश भगवान है मेहरारू बन के एक सुंदर दुल्हन बन के सेज पे सुता है और चरपाई पे जब सुतल है नींद एकदम गहरी लगल बा भैया थकी शरीर रही आई के जब उनकर माता रानी जकर नाम बताई गई पार्वती पार्वती धीरे धीरे दरवाजा के खटखटावत है आज जब दरवाजा खुलल है तो देखा थी तई पतोहिया भर सोया पतोहिया भाई चपैया पे लेटल है देख के एकदम घबरा गई बजल के ओ हो ऐसा पतो का हो जब 7 बजे रसोई करे यमन की इतना समय के तनिको ध्यान फिकिर ना हो अब हद तक तू सुतल हो उजला होगा आपके हर जाऊ तू तनिको मर्यादा ख्याल ना हो ए भैया गणेश भगवान अपने मन में मन सोचत हुआ कि अब काम हमारा माई जान न जाए माई हमार जान न जाए लगे ने अपन हे आचर उचर खींच के तोपत है तो यह भूत का कहना है
पक्षी नेता हूँ। जमीन पट्टी से भैया, जमीन पकड़ी के माटी से एकदम गुस्सा आई गई, खिसियाई गई, कहीं क्या है रे हमारे भाग में ऐसे पतो लिखल रहे ना जाना तो हनी के अगुआ मुड़ी काट ले हमार के ऐसे मिली है 8 बजे का सतवैया आना तो हम पता हक खुद के हमारे बेटा हुए बनल हक तहिया अब पतहिया तो बहरा निकल के कहर के हर जात है। ए बाबू पार्वती जी गणेश जी का हाथ पकड़ के लेके गई वहाँ कैलाश पर्वत पे जहाँ जी शंकर भगवान आसन मार के बैठल हुआ जाए वही सामने खड़ा कर दे रही के स्वामी आवा देखा का देखी तो के कहत है ये देखा शंकर जो की गणेश जी का पेटवा खुलल हो कैसन बनल हो हमार पतहिया कैसन है लगातार नैहरे से लेके आई बा अब हाँ पार्वती की ना पता है कि हमारे बेटे हुए है कौन तो सोचत है कि हमार पतहिया ही है भैया शंकर भगवान जब देखल सुनलन बतिया के जनलन ते एकदम क्रोध में अंगार हो गई लन कहे की कैसन पतो हो रे कैसन है मर्यादा के खिलाफ होत बा ऐसा होके ना दे या तो दुनिया से जाई या तो हमें के छोड़ दे कहे नहीं एक मिनट पता चलो था कि हमारे पतहिए है सोचे थे उनकी बाप रे बाप ऐसा पत हुआई है कि हमारे ऐसा कि कुल में दाग लगाई दी ऐसे नित है बाकी एक एकदम खत्म कर दी ही ए बाबू उठा के कमंडले से जल छिड़े देलन हाँ जब छिड़क लग बाबू तो पतहिया एकदम भसम हो गया है जब भसम हो गई ते हर पार्वती के बड़ा अफसोस है अरे वह सजन पतोही असली रही सुमन सिद्धि फूल लेके आवत है कि हमारे स्वामी जी वही रूम में है कमरा में है अब हम पहुंची पहुंचे चाहता जल्दी आज जब देखी आई के कौन का तो एकदम मौत हुई कहीं क्या हो काम बराबर बनाएगा अपने सासू रानी
पार्वती जी के चरण में लिपट के गिर के रोई लगी। कहीं ये माई ईका करूं कहीं ना खीर असली तू हम तू के रहा अभी ही में बात पकड़ाई है। पार्वती कहीं गे स्वामी अब गड़बड़ हुई गये अपने लड़के हो के जा जा कहे का भा कहे अपने तू लड़के के भसम कर जाना कहे बारे हमार पार्वती ये सब तो हरे कारण हो अगर तू ऐसा हम ना पढ़ तू तीसरा खोलब न करी तापन ही तीसरा नेत्र न खोली तो हमारी बेटा हमारे सामने रहत ये तो हार करनी भरनी है। तो उस समय पार्वती अपने स्वामी भोलेनाथ के चरण में गिर गयी गिर के अपने लाल अपने बेटवा की मांगा थे का मांगा थे कहना है पकड़ के रोई लगी अपने स्वामी अपने सैयादी के मांगने लगी कहीं की हे माता अब तुम्हारे सिवा हमारी सहारा और हमारे स्वामी के लिए वाला क्यों नहीं बा जैसा या बिल्कुल करे हूँ वैसे अपन बेटा हमें वापस था और ना तो हमारे अगर स्वामी देश दुनिया में ना रही है ये धरती पे ना रही है तो हम ही जी के का कर समय शंकर भगवान कैसे दूसरे चल जाए कहना है हमारे तपस्या में भंग कर डालू पे हम तीसरा नेत्र खोल दिया अब बेटवा हमारे भस्म हुई गए अब बताओ पतो हमारा आड़ नहीं कहीं नहीं स्वामी बेटवा के तैयार करा जिंदा करो ए भैया उस समय शंकर भगवान के ये कहा कहना है Hey, 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 hey
जाने समय शंकर भगवान जल छिड़कलन उस समय एक गणेश बटवा नहीं नौ नौ तैयार हो गए। जब नौ गणेश तैयार है ना बाबू उस समय सिद्धि सुमन जान पतो रानी रहनी देख करके बड़ा अफसोस में भई गई। अब रही अपना अब हमें नौ गणेश में से अपने पति के बेराई एमा से हमारे पति असिला के हैं। एक दिन देखे नहीं रहे कि कहाँ कटा हुआ कहाँ नहीं उनके कटा रहा। वाह काहे ना सही कहता केहू केहू के ऐसा हो तू बता सक अपने मन से तू इंसान ना तू बता सक तू ए भैया उस समय पार्वती जी के चरण पकड़ करके सोन सिद्धि कहे लगिन की हे माता ये हमारे बस जे पियाए हो तो है जाना के हो ये तो हर लाल तो हर बेटवा ये नौ गणेश में से असिला के हो अनिमर्श लिया के हमारे जवन असिला पति है लिया के पकड़ाई दमाई है हमारे बयान बा ए भैया उस समय भैया का टेक में आवा